इराक में आईएसआईएस के हाथों मारे गए 39 भारतीयों के शव आ जाएंगे भारत। दोपहर 1:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर आएंगे शव। एक शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। एससीएसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ आज दलित संगठनों का भारत बंद। पंजाब में आज होने वाली 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा भी रद्द। दिल्ली में दलित समाज के लोग मंडी हाउस से जंतर मंतर तक करेंगे मार्च। मेडिकल कमीशन बिल के मुद्दे पर देश भर में आज डॉक्टर्स का प्रदर्शन। सड़कों पर उतरकर जताएंगे विरोध। देश भर में प्रभावित हो सकती है मेडिकल सेवाएं। अनंतनाग और शोपिया एनकाउंटर में 12 आतंकी ढेर। एक जिंदा आतंकी गिरफ्तार। 3 जवान हुए शहीद। 4 पत्थरबाजों की भी मौत। विरोध में आज अलगाववादियों ने बुलाया बंद। सीबीएसई पेपर लीक मामले में मंत्रालय की पहली कार्रवाई। दिल्ली के एमके कॉन्वेंट स्कूल के परीक्षा सुपरवाइजर केएस राणा हुए सस्पेंड। इसी सेंटर से लीक हुआ था पेपर। बीजेपी के डेलीगेशन ने किया हिंसा प्रभावित आसनसोल का दौरा। राहत शिविर में जाकर पीड़ितों का बांटा दर्द। राष्ट्रहित की बात करने वालों के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश। जी हिंदुस्तान ने किया ईमानदारी की बोली लगाने वाले आचार्य अटल को बेनकाब। देश को सबूतों के साथ दिखाया सच।